हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। तो इस वीडियो में क्या बातें होने वाली है, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि अभी मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आज मुझे ये बताया गया है कि मेरे को मंडे से कैश पे बैठना है। कैश का मतलब होता है टेलर काउंटर, जहाँ पे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो बैठते हैं कैश काउंटर पे। जो लोग भी अभी कभी किसी ब्रांच में गए होंगे वो देखते होंगे, एक टेलर काउंटर होता है जहाँ पे कैश विड्रॉ होता है और कैश डिपॉजिट होता है, दो काम होता है। ठीक है, विड्रॉल में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, डिपॉजिट में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बैंक में कोई डेंजर काम है तो वो कैश का ही है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बैठा दिया जाता है कैश काउंटर पे, इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 3-4-5 दिनों की, हफ्ते भर की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको बैठाया जाता है कैश पे, और फिर आपको वहाँ पे एक सप्ताह और दिया जाता है ताकि आप वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को देखो, कैसे डिपॉजिट्स होते हैं, कैसे विड्रॉल होते हैं, चेक से डिपॉजिट होता है या फिर विड्रॉल होता है, डिपॉजिट स्लिप भर के फिर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कमांड्स हैं जो कि आपको सीखने होते हैं। तो आज से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, मुझे बोल दिया गया है कि मंडे से तुम कैश हैंडल करने वाले हो। तो सैटरडे संडे तो बीच में छुट्टी है, तो 2 दिन का जो है वो मेरा कंटिन्यू ट्रेनिंग चलेगा, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन कंटिन्यू मैं ट्रेनिंग में रहूँगा। ट्रेनिंग के बाद मैं मंडे से कैश हैंडल करूँगा, और 2-4 मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं कैश के, जो कि मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल। तो सबसे पहले मैं डिमेरिट्स की बात करूँगा कि क्या क्या वहाँ पे डिमेरिट्स हैं। तो अगर कैश आप कस्टमर से ले रहे हो, ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, किसी भी केस में अगर कैश शॉर्टेज होता है, या फिर कैश अगर ज़्यादा आप ले लेते हो, या फिर कैश आप किसी को ज़्यादा दे देते हो, दोनों ही केस में अगर ऐसा कुछ शॉर्टेज होता है तो आपको मेल आ जाता है आपके मेल पे, और वो जो अमाउंट है वो आपको खुद के पॉकेट से भरना पड़ता है। ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कितना भी अमाउंट हो, अगर आप गलती से ले लेते हो या फिर ज़्यादा दे देते हो तो आपको अपने पॉकेट से भरना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की कैश में क्या है कि आपको एक केबिन में बैठना पड़ता है हमेशा, ऑब्वियसली बात है, डिस्टर्बिंग नहीं होता है वो, आपको एक अपना स्पेशल कैबिन दिया जाता है, वहाँ पे आपको बैठना पड़ता है। बट बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे चलती हैं, कितना पैसा आया, कौन कौन से मुझे कमांड देखने हैं, इनके नाम पे ये फिल करना है, वो फिल करना है, बहुत सारी चीज़ें, इतने नोट हैं, उतने नोट हैं, उसमें म्यूटिलेटेड नोट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखना पड़ता है, ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाता है इसको सीखने में। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो आपको इसको क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि आप पब्लिक के पैसे को हैंडल कर रहे हो वहाँ पे, तो 1 रुपये भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से, जैसे कि मेरी जो ब्रांच है बहुत बड़ी ब्रांच है, मेन ब्रांच है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत हैवी अमाउंट में ट्रांजेक्शन होता है ऑन डेली बेसिस, लाइक 50 लाख प्लस यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेली होता है, 1 CR तक भी जाता है, कभी कभी ज़्यादा रश होता है, तो उसको संभालना, उतने पैसे को देखना, काउंट करना, रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। बट मेरा क्या है, मैं शुरू से अपने वीडियो में बताते आता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं लेता, इसको भी अपन हल्के में लेंगे, और लोड नहीं लेना, थोड़ा बहुत करना है, काम करना है, 2-4 दिन सीखना है, अच्छे से देखना है, अब्जॉर्ब करना है चीज़ों को, फिर अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप कैश पे बैठ रहे हो तो आप परमानेंट कैश पे बैठोगे, फिर आपको ब्रांच बैंकिंग में मिलेगी, 360 भी आपको काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। बट अभी अगर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे तो आपको जाना पड़ेगा। कुछ मेरिट्स बता देता हूँ मैं, जैसे कि कैश पे जब आप बैठोगे तो बहुत बड़े बड़े कस्टमर आपके पास आते हैं, लाइक कोई डिपॉजिट करने आता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसा डिपॉजिट रहता है, करंट अकाउंट कस्टमर, सेविंग अकाउंट कस्टमर, HNI कस्टमर, बहुत सारे डिफरेंट कस्टमर, जब आप एक बार पढ़ाई करोगे आपको समझ में आएगी चीज़ें, अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक आप बैठे बैठे अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर जो भी आपको असाइन किया जाता है टास्क आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, आप कस्टमर से पूरा बात कर सकते हो कि सर मेरी ये नीड है, मुझे ये बताया गया है, आप क्या मतलब मेरी हेल्प करो, मैं भी बहुत दिन से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, अभी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कुछ करके आप बात भी कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या है कि जो वॉकिंग कस्टमर आते हैं ब्रांच में वो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स को लेके आते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है उसका। बट कैश पे क्या है, बड़े बड़े कस्टमर आते हैं तो वहाँ पे आप उसका फ़ायदा आसानी से उठा सकते हो। दूसरी चीज़ की कुछ नया सीखोगे, लाइक किसी भी आप बैंक में जाओगे, किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाओगे तो हमेशा कैश पे बैठना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और बैंक बोलता है कि हर आदमी को 360 आना चाहिए, मतलब सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, सारे काम की नॉलेज होनी चाहिए, तो धीरे धीरे ये लोग इनहेंस करते हैं सारे बच्चों को सारे काम के लिए, सब कुछ सिखाते हैं ये लोग, पूरा कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे सारे काम को सीखें। तो अभी फ़िलहाल दिया है कैश, मैं मंडे से बैठूंगा, देखता हूँ क्या एक्सपीरियंस है, फिर मैं उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा। नया चैलेंज है, ऑब्वियसली बात है, नया चैलेंज है, नया टास्क है,
और सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसे अपने पॉकेट से देने पड़ते हैं, वो एक डर अलग मतलब रहता है दिमाग में, बट उस डर को निकाल के अपन बैठेंगे और शांति दिमाग से काम करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि क्या चैलेंजेस वहाँ पे आते हैं, फिर मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा आगे अपने चैनल पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी पीओज आते हैं पीओ प्रोग्राम करके, तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि ब्रांच का किसी आईसीआईसीआई बैंक के आईसीआईसीआई का जो बैंक है उसका यही टारगेट होता है कि ये जो पीओ बैच करके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो अपन थ्योरी पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ का प्रैक्टिकल इनको दिया जाए, सारी चीज़ों को समझाया जाए, क्योंकि पीओ बैच से जो आते हैं उनका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, लाइक 1 से 1.5 साल में उनका प्रमोशन हो जाता है, सैलरी भी हर साल इंक्रीमेंट होते रहती है, वो मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता बट वो होती है, तो प्रमोशन ग्रेड भी मिलता है आपको, प्लस आपके जो बोनस है उसमें भी बहुत मतलब बढ़ा के कुछ पैसा आता है और आपकी सैलरी भी हर साल इंक्रीज होती है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि अपन सारा काम सीख ले अच्छे से, और अपन कभी फ्यूचर में स्विच भी करते हैं ना किसी एमएनसी में या किसी ब्रांच बैंकिंग सेक्टर में, तो ऐसा है कि अगर आपको सारी चीज़ें आएंगी, आपको आप सब कुछ जानते हो, सारा काम करना जानते हो, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। तो एक नया टास्क है, देखते हैं इसको करते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा कैश पर बैठने का कैसा एक्सपीरियंस होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, और जिनको भी अभी 86 बैच की ओपनिंग है जिनको भी जाना है वो अप्लाई कर दे, जिनको भी जाना है वो अप्लाई कर दे, और अगर कोई भी टेस्ट से एप्टीट्यूड टेस्ट से इंटरव्यू से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं मेल डाल देता हूँ, मेल पे प्लीज़ मैसेज कर लिया करो, बार बार ये मत पूछो कि कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, मैं मेल जब डालता हूँ तो मेल पे आप लोग मैसेज कर लिया करो, मैं वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा और उसके बाद आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और फिर मैं कैसा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मंडे के बाद। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।